सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, EDIM यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज जो अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 3, और आज से अपन जो है लेक्चर नंबर 23, और आज से अपन है ना मॉड्यूल 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से मॉड्यूल 4 जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है फंक्शनल प्लान्स। तो सबसे पहले जो अपन इसमें कंटेंट में बात करेंगे वो हम अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग ही बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कैसे की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको टॉपिक का नाम बताया, ये अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ज़रूरी एक टॉपिक नज़र आता है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन है क्या? बेसिकली ये एक एंटरप्रेन्योर की कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं जो कि आइडिया के अंदर बिजनेस की पॉसिबिलिटी को देखता है। वो देखता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप जो एक क्लासरूम में एक बच्चे स्टूडेंट जो क्लासरूम में पढ़ रहा है, वो क्लासरूम में पढ़ने के बाद अपने अंदर ऐसी एक स्किल्स डेवलप कर रहा है जो मार्केट या एनवायरनमेंट में मौजूद जो भी उसको आइडियाज़ मिल रहे हैं ना, उनसे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो है, हम ये कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक सोलोमन फोर ग्रुप डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट देखा है, या वो आपको अभी पिक्चर पे दिखाई देगा। ये सोलोमन ग्रुप है, फोर ग्रुप डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको अभी बताऊंगा, उसके अंदर ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे हम अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने आइडिया को और अच्छा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम इनोवेटिवनेस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो आइडिया है आपका सोलोमन फोर ग्रुप का, ये हमें बताएगा कि इनोवेशन से जो है वो आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम अभी इस ग्रुप को पढ़ेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, पर इन जनरल सेंस देखें कि अपॉर्चुनिटी का जो मतलब है वो क्या है। अ गुड चांस, एक ऐसे मौके को आपको इनकैश करना है जो आपको लग रहा है कि ये मेरे पॉसिबल बिजनेस के लिए रोल प्ले करेगा, या फेवरेबल सिचुएशन आप देख रहे हो। तो यहां हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या देख रहे हैं, एक फेवरेबल कंडीशन जो हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए मान के चल रहे हैं। तो यदि आप इस गिवन डायग्राम को पढ़ें और देखें कि इनोवेशन कैसे मार्केट बनाता है, हमें ये देखना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इनोवेशन से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़ क्रिएट। आप जिस इंडस्ट्री में जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, जो आपके पास आइडिया है, जो आपका प्रोडक्ट या आपका जो सर्विस है, जिस इंडस्ट्री में आप सोच रहे हो, वहाँ पे आप इनोवेशन लाइए, क्रिएट करिए ऐसी चीज़ को जो उस इंडस्ट्री ने ऑफर ही नहीं किया है। तो वहाँ आप उन फैक्टर्स को स्टडी करिए जो उस इंडस्ट्री के अंदर ऑफर ही नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं रेज। रेज क्या कहता है कि जो आपके उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को और इंक्रीज कर दे, एक पोजीशन पे लेके जाए आपके इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया बिजनेस में काम आएगा जो कि उस इंडस्ट्री को ही एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दे और अच्छे लेवल पे उसका इंक्रीज कर दे। कैप द सेम। अब इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख रहे हैं, हमें कुछ चीज़ें सेम रखनी है। कौन सी चीज़ें सेम रखनी है? हमें हमारे कस्टमर के पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमें उसकी नीड को चेंज नहीं करना है। जो नीड उसकी चेंज नहीं हुई थी पहले से, उसको हमें ध्यान नहीं देना, उसको हमें सेम ऐसा ही रखना है जो हमारी इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नज़र आती हैं कि ये उसकी नीड्स हैं। तभी आपका कंज्यूमर इनोवेशन को करेगा जब तक उस नीड को वो समझ रहा है। अगर उसकी नीड चेंज हो गई ना, तो आपका इनोवेशन वाला प्रोडक्ट भी किसी काम का नहीं रहेगा उस इंडस्ट्री में। देन हम देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, दैट इज़ एलिमिनेट। हमें यहाँ एलिमिनेट क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है उन फैक्टर्स को जो कि क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड है उस इंडस्ट्री के थ्रू, या उन्होंने वो क्या कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया, उन फैक्टर्स को आप भी बाहर निकालिए। अब आता है रिड्यूस। रिड्यूस क्या करना है, उन फैक्टर्स को जो आपके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को गिरा रहे हैं, उन फैक्टर्स को आप और कम करिए ताकि आपका इंडस्ट्री में मार्केट और आपकी इंडस्ट्री की पोजिशनिंग अच्छी हो सके। तभी तो आपकी इनोवेशन का कहीं यूज़ है,
वरना आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस बिजनेस के टर्म्स में चलेगी कैसे अगर आपकी उस इंडस्ट्री के अंदर ही कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, कंज्यूमर्स को चूज़ नहीं कर रहा, आपकी इंडस्ट्री डाउन जा रही है, फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा। तो अपॉर्चुनिटी की जो हम जब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ कवर कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को। तो हमें हमें क्या करना है, हमें हमारे उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमारे बिजनेस की पॉसिबिलिटी में हमें नजर आ रहा है। अब आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक पॉलिसी लिखी, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी कि जो हमारा पूर्वी देश है, ईस्ट की तरफ, जो हमारा मुल्क तरफ है, जो हमारा रीजन है, उस तरफ गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल भी सेट किया। जैसे उन्होंने वहाँ पे जो हमारा चाय से संबंधित जो वहाँ बिजनेसेस हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, हर्बल्स हैं, टर्मरिक एक्सेट्रा हैं, ऐसी चीज़ों में उनको अपॉर्चुनिटी का मौका दिया ताकि वहाँ वो लोग अपने आप को बिजनेस को डेवलप कर सके, अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफिकेशन और उसका सिलेक्शन, ये दोनों कॉर्नर स्टोन्स हैं आपके बिजनेस के लिए। बेटर द फॉर्मर, बेटर इज द लेटर। जितनी जल्दी आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, पर चीज़ों को आप सोच समझ के स्टार्ट करिए। जल्दी तो करना है, जल्दी का मतलब क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ थिंग्स, बट एनालिसिस भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है, तभी आप बिजनेस में चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और तभी आप बिजनेस के अंदर अपने उस आइडिया को सिलेक्ट कर पाएंगे। इसलिए अपॉर्चुनिटी में क्या कहा जाता है, अ वेल बिगन इज अ हाफ डन बट इट इज बेटर देन सेड। व्हाट, व्हाई? अगर हम किसी भी एंटरप्रेन्योर, किसी भी न्यूली स्टार्टअप बिजनेसमैन से बात करते हैं कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, आपका क्या प्रोडक्ट है, आप क्या सर्विस देने वाले हो, तो उसका आंसर क्या होता है, मुझे ऐसे मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जहां पर प्रॉफिट हो, जहां पर कस्टमर हो, जहां पर मार्केट में पोटेंशियल हो। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आप उस मार्केट को जानोगे कैसे कि किस मार्केट में यह सब चीज़ें हैं, कौन से मार्केट में कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल ले लेगा, कौन सी चीज़ अनमेट है, कौन सी नीड अनमेट हो रही है, ये आप जानोगे कैसे। तो ये आंसर एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको क्या देखना है कि कौन से अदर प्रोडक्ट्स का मार्केट सबसे बड़ा है, किस प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है ना, ये आपको पता करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि एक सिचुएशन आ जाती है, आपने पुरानी कहानी सुनी होगी कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा, हैन और एग का कॉन्ट्रोवर्सी तो आप सभी ने सुन रखी होगी। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना एक प्रोडक्ट या अपना एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है एज ए अपॉर्चुनिटी, तो उसको ये चीज़ देखनी है कि अब उस आइडिया को वो इनकैश कैसे करे, उसको प्रैक्टिकल फिजिकल फॉर्म में वो कैसे लेके आए। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो हमारी प्रॉब्लम थी कि मार्केट कौन सा है, मार्केट में कस्टमर कहाँ है, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन से प्रोडक्ट का मार्केट शेयर सबसे अच्छा है, तो इन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप जब आइडेंटिफाई करो ना बेस्ट प्रोडक्ट, अपना आइडिया, उसको आप सही तरीके से सिलेक्ट करो, कौन सा आइडिया आपको लगता है कि बिजनेस में चलेगा, ये आप पूरा असेसमेंट के साथ ही ढूंढिए। तो यहाँ हम बात करेंगे कुछ अलग चीज़ों की। देखिए, जब एक एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट और एक प्रोजेक्ट या एक नए आइडिया को चूज़ करता है तो उसको कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। जैसे उसको देखना चाहिए कि यदि वो बिज़नेस अकेले करने वाला है या कोई इसके साथ पार्टनर है, तो यदि कोई पार्टनर है तो उसको बिज़नेस में कितना एक्सपीरियंस है, ये आपको चेक करना चाहिए। इसके साथ साथ जो आइडिया आप सोच रहे हो कि ये हम इसका बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली प्रमोशनल स्कीम, सब्सिडीज़, ये सब भी हमें पता कर लेना चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट आपके हिसाब से ज़्यादा हाई प्रॉफिट का है ये भी देखिए,
कौन से मार्केट में आपका प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी, कब होगी, ये भी पता करना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, लेबर का अरेंजमेंट होगा नहीं होगा, लेबर महंगी मिलती है या थोड़ा सा आप अपने वहाँ बजट में पैसा रिड्यूस कर सकते हैं, बजट बचाव कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए। अगर अदर कोई डाइवर्सिफाइड प्लान आपके माइंड में हो, मान लीजिए अगर आपको एक्सपेंशन लग रहा है या आपको माइंड चेंज करना है या अलग चेंज करना है, बिजनेस लाइन चेंज करनी है, अदर प्रोडक्ट्स में जाना है, तो आपके पास प्लान बी तैयार रहना चाहिए। और वो कौन कौन से प्रोडक्ट जो एमएसएमई के अंदर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ये भी आप देख लीजिए। तो जब हम आइडियाज़ की बात कर रहे हैं तो हम अपने एंटरप्रेन्योर से कह रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज और उन सभी चीज़ों के बारे में आप एक बार एनालाइज करिए जिसके बारे में आप बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन की। जैसे मैंने आपसे इतनी देर से समझा रहा हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफाई करिए। तो अब आप इस प्रोसेस को देखिए। आप मान लीजिए आपने सब कुछ असेसमेंट कर लिया, आपने सब कुछ देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, मार्केट को देख लिया। अब आपके पास पांच आइडियाज़ आए और आपको लगता है कि मैं इन पांच आइडियाज़ में मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। वो पांच आइडियाज़ कौन से थे जिसको आप अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं? टेक एन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं नट एंड बोल्ट का बिज़नेस कर सकता हूँ, तो ये कौन सी इंडस्ट्री आती है? मैन्युफैक्चरिंग। आपने कहा मैं शूज़ इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। आपने कहा कि मैं कोई प्रोटोटाइप डिज़ाइन बेस्ड यूनिट डाल सकता हूँ, तो वो भी सर्विस इंडस्ट्री में आती है। आपने कहा मैं कोई इलेक्ट्रोटाइप राइटर या इस तरह का कोई एक्टिविटी कर सकता हूँ कि उनकी सर्विसिंग कर दूँ या कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस, तो वो भी सर्विस का है। पॉलिथीन बैग्स बनाना है, तो वो टेक्सटाइल और एंसिलरी इंडस्ट्रीज में आ जाती है। तो एज ए एंटरप्रेन्योर देखिए, आप पांचों तरीके के बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई बिज़नेस में हाई इन्वेस्टमेंट है तो किसी में कम इन्वेस्टमेंट है। किसी के लिए आपको लार्ज यूनिट डालनी पड़ेगी तो किसी में आपको छोटी सी यूनिट डालनी पड़ेगी। तो पांचों अलग अलग क्राइटेरिया पे हैं और इन पांचों में अलग अलग कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। तो आपको तो इनमें से कोई एक ऐसा आइडिया सेलेक्ट करना है जिस आइडिया पे आपको लगे कि यस, इस आइडिया में पोटेंशियल है और उसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यदि हम बात करते हैं आइडिया जनरेशन की, तो हमें अपॉर्चुनिटी की स्कैनिंग को भी समझना आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे दो सिचुएशन कि आइडिया और अपॉर्चुनिटी में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो पहली सिचुएशन मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए सिचुएशन नंबर वन में एक पर्सन है मिरनोमी और उसका फ्रेंड है चंदन। इन दोनों ने क्या किया है? एमबीए किया है और 6 महीने के बाद, एमबीए करने के 6 महीने बाद ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो या अपन लोग क्या कर रहे हैं। जैसे चंदन ने कहा, जैसे दो दोस्त मिलते हैं 6 महीने बाद, अच्छा तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, किस जॉब में हो, बिजनेस में हो, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन हम इस स्थिति में देख रहे हैं। तो मिरनमोई ने कहा कि मेरा एक बिज़नेस है, मैं एक ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस संभाल रहा हूँ। और चंदन ने कहा कि ये मैं तो अभी सिर्फ जॉब ही सर्च कर रहा हूँ। तो मिरनमोई ने कहा कि देखिए, देख चंदन, ऐसा है कि क्यों ना तुम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आजकल देखा कि बिज़नेस में काफ़ी स्कोप है और आप अपने मार्केट को रीड आउट करो, ऑब्जर्व करो और देखो कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। इस कंज्यूमर की जब आप वांट को देखोगे ना, तो आपको बिज़नेस का आइडिया समझ में आएगा किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए। तो ये जो पहली सिचुएशन है, ये मैंने आपको बता दी। अब दूसरी सिचुएशन मैं आपको कहता हूँ, वो है आपका क्या कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, एक दो दोस्त हैं त्रिदीप, त्रिदीप जो है वो असम गवर्नमेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट में लग गया और वो इंचार्ज है परचेज डिपार्टमेंट का। वहाँ पे वर्क करते करते उसको 10 साल हो गए हैं और उसने देखा कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कंपनीज उसको बल्क में खरीदते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली जो कि कंपोनेंट्स बनाती थी और बाकी अदर इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती थी। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको नज़र आएगा कि पहली सिचुएशन जो है वो आइडिया को लेके है और दूसरी सिचुएशन क्या है? अपॉर्चुनिटी को लेके है।
तो आपको बस यही डिफरेंस समझना है कि आइडिया क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। इस चीज़ को यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकते हैं और अपने बिजनेस में आप फर्स्ट स्टेप को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।